स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, मायसेल्फ कन्हैया सिंह तोमर। आज हम इस क्लास में कक्षा 9 विज्ञान विषय पढ़ेंगे और उसका पहला पार्ट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जीवन की मौलिक इकाई, इसको हिंदी में कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। अच्छा, इस पार्ट को शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पर पूछूंगा कि विषय जो हम पढ़ रहे हैं साइंस विज्ञान, विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। कक्षा 8 तक आपने पढ़ा था किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ऐसा आपने पढ़ा। अब परिभाषा वही है, किसी भी विषय के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मेन 3 ब्रांचेस अब आपको आगे यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों के कुछ ना कुछ पोर्शंस आप यहाँ पढ़ेंगे। मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अच्छा, यहां पर जब विज्ञान की परिभाषा आपने पढ़ी थी इस प्रकार की, तो आपने प्रौद्योगिकी पढ़ा होगा, प्रौद्योगिकी से कहते हैं। प्रौद्योगिकी एक तकनीक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जिसके द्वारा हम विज्ञान का उपयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव हित में संसाधनों का जो निर्माण होता है वो टेक्नोलॉजी होती है, वो प्रौद्योगिकी कहलाती है। अच्छा, इसके बाद हम सीधे आते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो जीवन की मौलिक इकाई बता सकते हैं आप लोग, जो भी आपको ध्यान में आता हो सोच सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं ऐसा कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, आपने कहीं सुना है कहीं पढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, सेल। जिस प्रकार एक कमरा है, जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं, आप भी बैठे होंगे, उस कमरे की भी एक इकाई को पूछा जाए कि इसकी इकाई क्या है, तो इसमें हम एक ब्रिक्स, जो ईंट जो लगी हुई है, उसको एक इकाई कह सकते हैं कि इस कमरे की मौलिक इकाई एक ईंट है, एक ईंट है। इसी प्रकार जो जीवन की मौलिक, और जीवन होता है जिसमें सजीव लोग होता है, तो यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि सजीव किससे बने होते हैं, सजीव किससे बने होते हैं, एक प्रश्न आता है कि सजीव किससे बने होते हैं, तो सजीव कोशिका से बने होते हैं। सजीव जो है उनका जो सजीवों का संगठन होता है, रचनात्मक संगठन, वो मेनली कोशिका से होता है। अब कोशिका क्या है, कोशिका जीव की रचनात्मक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका है, कोशिका जीव की संरचनात्मक है, क्रियात्मक इकाई होती है। अच्छा, यहां पर मैंने 2 वर्ड्स यूज किए हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक, इनको हमें समझना होगा, क्योंकि जब हमने बता दिया कि सजीव की इकाई, सजीव किससे बनते हैं, कोशिका से बने होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं सजीव की जो इकाई है वो क्या है, कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका जीव की संरचनात्मक, अर्थात उसकी जीव की संरचना ही कोशिका से होती है। हमारे मानव शरीर में असंख्य है, मानव शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। अब क्योंकि जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं, जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं वो इस कोशिका में ही होती हैं, इसलिए
जो परिभाषा हमारी बनती है कि व्हाट इज सेल, इसको सेल कहते हैं। सेल मीन्स एक कमरा होता है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अच्छा, अब हमें इतना जान लिया कि कोशिका क्या है। अब इसको थोड़ा हम डिस्कवरी की तरफ चलते हैं कि कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। अच्छा छात्रों, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। कोशिका की खोज किसने की? तो यहां पर खोज के बारे में हम बताते हैं। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, ब्रिटिश वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क, एक पेड़ होता है कॉर्क के नाम से, कॉर्क एक पेड़, पेड़ होता है। उस कॉर्क के पेड़ की जो छाल थी, उस छाल की पतली पतली परतें उसकी काटी और माइक्रोस्कोप में उनका ऑब्जर्वेशन किया, उनका अध्ययन किया, उनको स्टडी किया। जब उनको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उस कॉर्क की जो पतली पतली स्लाइस जो काटी है, उसमें उन्होंने मधुमक्खी के समान छत्ते जो है, छत्ते के मधुमक्खी छत्ते के समान जो गैप्स होते हैं, जो उसमें कमरे के नाम संरचना के रूप में संरचनाएं होती हैं, वो उसमें उन्होंने दिखाई दी। उसको जो है उन्होंने क्या कहा कि ये कोशिका जो है इस तरह की इसमें होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। जब उन्होंने जो संरचना देखी, वो संरचनाएं कुछ इस प्रकार की हैं। इसको उन्होंने कोशिका नाम दिया, इस तरह की संरचना उन्होंने दिखाई है उसमें। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की जब पतली-पतली स्लाइस को काटा, उनके सेक्शंस को काटा, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, उन्होंने मधुमक्खी के समान अनेक जो है प्रकोष्ठ कह सकते हैं, उनको प्रकोष्ठ दिखाई दिए, जिनको उन्होंने जिनको सेल नाम दिया। सेल था वो, कोशिका कहा, कोशिका, कोशिका जो है शब्द जो है इसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। कोशिका का शब्द जो होता है एक छोटा सा कमरा, इसको कह सकते हैं छोटा कमरा। ये हम अपनी भाषा में इसका उपयोग नहीं करना, छोटा कमरा हम अपनी भाषा में कह रहे हैं इसको, कि कोशिका के मायने क्या है, छोटा कमरा भी मान सकते हैं। हमारा शरीर, मानव शरीर जो है वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसा रॉबर्ट हुक ने इस तरह की कोशिकाओं को देखा, डिस्कवरी ऑफ द सेल। इसमें हमें लिखना है, आप लिख सकते हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कॉर्क नामक पेड़ होता है, तो उस कॉर्क की मतलब कॉर्क जो आपने देखा होगा, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो जिस बोतल में वो दवाई देते हैं उनको बंद करते हैं, कॉर्क की जो डार्ट होती है उनसे उनको बंद करते हैं, वो कॉर्क होता है। अब तो हालांकि रबर का भी उपयोग करने लगे हैं, लेकिन पहले जो कॉर्क का उपयोग करते थे उसको सील पैक करने के लिए, जिसको दवाई में देते थे पहले पैक करने के लिए, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रखेंगे, हमने वैज्ञानिक परिभाषा की चर्चा की, जो आपने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड की परिभाषा 8th में पढ़ी हुई, 6th से 8th के बच्चे पढ़ते हैं। किसी विषय क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय, वो विषय कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि विज्ञान ही, वो किसी भी विषय की तरफ कह सकते हैं ना विज्ञान। तो कोशिका क्या है ये हमने जान लिया, और इसके बाद अब कोशिका खोज के विषय में हमने काफ़ी चीज़ें जानी कि किसने इसकी कोशिका खोज का श्रेय किसको जाता है, डिस्कवरी ऑफ द सेल। आप कह सकते हैं कि कोशिका खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक जो है कौन थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज। अब छात्रों हम कुछ रॉबर्ट हुक से संबंधित भी कुछ बातें हैं। रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं का अवलोकन किया, वास्तव में वह कॉर्क की मृत कोशिकाएं थी, डेड सेल्स थी जिनका अवलोकन किया। मुख्य तथ्य कह सकते हैं वो, रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं का अवलोकन किया, वह कॉर्क की मृत कोशिका है। दूसरा मुख्य तथ्य है,
रॉबर्ट हुकबर्ग का कोशिका की खोज। रॉबर्ट के कार्य से संबंध हमने यहाँ दो मुख्य तथ्य लिखे हैं, आपको ये कॉपी में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। रॉबर्ट ने जिन कोशिकाओं का अवलोकन किया वह कॉर्क की मृत कोशिकाएं थी, ये आपको पता होना जरूरी है। दूसरा मुख्य तथ्य जो है, रॉबर्ट का कोशिका की खोज जो इन्होंने पूछा है खोज की नामक विषय के जो कार्य था, एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया, इसका नाम दिया माइक्रोग्राफिया। पूछा जाता है कि रॉबर्ट ने जो कोशिका खोज की उस पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम याद रखना है माइक्रोग्राफिया के रूप में प्रकाशित हुआ है, पुस्तक है माइक्रोग्राफिया के नाम से उस पुस्तक का रूप प्रकाशित हुआ। अच्छा छात्रों, अब डिस्कवरीज रिलेटेड टू द सेल, अभी कोशिका से संबंधित जो जो खोजें हुई उन सबकी चर्चा हम करेंगे। डिस्कवरीज रिलेटेड टू द सेल, रॉबर्ट हुक, जिसको अभी हमने पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज, क्या किया था, कोशिका खोज कब की थी, 1665 की थी, 1665, और कोशिका नाम दिया, सेल नाम दिया। अच्छा, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन न्यूमैनहॉफ, इन्होंने 1674 में 1674 में एक उस समय सूक्ष्मदर्शी जो थे, हमारे माइक्रोस्कोप जो थे वो अच्छी विजुअलाइजेशन के हो गए थे, उनकी क्वालिटीज डेवलप कर गए थे, तो उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में, जो गंदा तालाब था, तालाब के जल में जीवित कोशिका को देखा। यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, जब क्वेश्चन हमारा एराइज होता है, क्वेश्चन पुटअप होता है कि जीवित कोशिका को की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो हमें यहाँ बताना होता है एंटोनी वॉन न्यूमैनहॉफ ने इसको देखा था, तो इसलिए हमें एंटोनी वॉन न्यूमैनहॉफ यहाँ पर राइट आंसर देना होता है। यदि हमें सिंपल क्वेश्चन है पुटअप किया जाए कि कोशिका की खोज किसने की, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं दिखाया कि सजीव कोशिका है, निर्जीव कोशिका है, किस तरह कोशिका है, तो हमें रॉबर्ट हुक बताना होता है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसका नेक्स्ट अगली डिस्कवरी जो है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कि कोशिका में केंद्र का पता लगाया, केंद्र, अब ये एक नया नाम है केंद्र की, केंद्र क्या है, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो केंद्र में होता है ना, केंद्र, केंद्र, इसीलिए उसको केंद्र कह रहे हैं, इसीलिए उसको केंद्र कह रहे हैं। और किसकी, किसने इसकी खोज की है, रॉबर्ट ब्राउन ने, कहाँ पाया जाता है केंद्र, कोशिका के भीतर पाया जाता है। यदि हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो मैं एक आपको छोटा सा डायग्राम बनाकर यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सेल वॉल है, प्लांट सेल, प्लांट की सेल वॉल, कोशिका भित्ति इसको हम कहते हैं, और इसके बिल्कुल मिड सेंटर में, मिड में, मिड में एक केंद्र पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल भी इसमें पड़े होते हैं कोशिका के अंदर, इस तरह की असंख्य कोशिकाएं मिलकर के पेड़ को बनाती है, प्लांट सेल का डायग्राम मैंने बनाया है, यूकेरियोटिक जिसको हम कहते हैं, यूकेरियोटिक प्लांट सेल, तो इस सेल के अंदर केंद्र बिल्कुल मिड में वेल डेवलप्ड केंद्र पाया जाता है। तो इस केंद्र का किसने पता लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, किसका, किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अभी हम कुछ एक दो डिस्कवरीज की बात और करेंगे। नेक्स्ट वन इज पुर्किंजे, जेई पुर्किंजे, इन्होंने 1839 में कोशिका के जैविक संबंध पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। अभी हमने जो सेल बनाई थी के अंदर जो बीच में न्यूक्लियस था, इसके अंदर ये सारा जैली समान पदार्थ, जैली के समान पदार्थ भरा हुआ था कोशिका के अंदर। इस जैली समान पदार्थ को क्या नाम दिया, जीव द्रव्य नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म,
प्रोटोप्लाज्म नाम है, जीव द्रव नाम दिया किसने, प्रोकेंजे ने, प्रोकेंजे ने इसको जीव प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव नाम दिया। दूसरे नेक्स्ट वैज्ञानिक है हक्सले, इन्होंने 1868 में जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया, जीव द्रव को जीवन का, जिसके जीवन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं हैं वो इस कोशिका के भीतर ही संपन्न होती है। नेक्स्ट स्लीडन एंड स्वान, ये दोनों भी साइंटिस्ट हैं और कोशिका संबंधित उन्होंने सेल सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। इस कोशिका सिद्धांत के अनुसार दो पॉइंट्स बनते हैं हमारे कि सभी जीवधारी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने दूसरा बताया, दूसरी बात बताई कि सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इन दोनों बातों को इन्होंने कहा सिलिडन और स्वान ने, कोशिका सिद्धांत ने इन्होंने किया। ये मैंने कुछ मुख्य डिस्कवरीज की बात की है, इन सभी को आप लोग छात्र सभी लिखेंगे और सूचीबद्ध करके लिखेंगे, और किसी को यदि समझने में कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम आगे उस टेक्स्ट उसको क्वारीज में दूर करेंगे। एंड टू बी हैप्पी, बी सेफ एंड स्टे होम। ओके, थैंक यू।